पोटेंशियोमीटर आप पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है और वो डिवाइस मेजर द ईएमएफ बिकॉज द मेथड, किस मेथड से ईएमएफ मेजरमेंट करता है, और ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है, इट इज़ द आइडियल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होता, कुछ ना कुछ करंट जरूर ले लेता है सर्किट से, तो उस वोल्ट मीटर को रिप्लेस करने के लिए आ गया पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर आप पढ़े होंगे, दो सर्किट होता है, स्टैंडर्ड सेल रियो स्टेट आ मीटर लगा देता हूँ, और ये इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट, ठीक है, ये प्लस माइनस ईएमएफ, तो ये प्राइमरी सर्किट है, और ये जो होती है ये प्राइमरी सर्किट, और यहाँ पर एक सेकेंडरी सर्किट होता है, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ गैल्वेनोमीटर और एक बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ ये जो होता है आप पढ़े होंगे, यहाँ अननोन ईएमएफ लगाया जाता है, अननोन ईएमएफ, ऐसा ईएमएफ जो हमें पता नहीं है, मेजरमेंट करना होता है। तो ये जो पोटेंशियल मीटर है इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, और इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। पढ़ा दूंगा कभी अच्छे से, कोई दिक्कत होगा तो बताना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो अब जब ये इसमें रीडिंग गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो आती है, तो ये जो वोल्टेज है, ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो इस अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ ई के इक्वल होता है। तो अननोन ईएमएफ ई वोल्टेज अक्रॉस द एसी वायर, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस एसी को तुम लिख सकते हो कि लैम्डा, और ये लेंथ व्हाट इवर जो भी एल वन है, ठीक है, रेजिस्टेंस लैम्डा एल वन। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ए बी पर यूनिट लेंथ एल। अगर इसकी पूरी की लेंथ एल है तो ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ही है। मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो ये लैम्डा, लैम्डा आप यहाँ से डाल सकते हो कि लैम्डा वोल्टेज अक्रॉस द ए बी पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल वन। और ये सर, ये इक्वेशन कब लिखा जाता है? ये इक्वेशन तब लिखा जाता है गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो आती है, मतलब ये नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, कंडीशन है नो करेंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इससे कोई करंट नहीं जाएगा इससे, ठीक है। और ये वोल्टेज इसके इक्वल होता है बैलेंसिंग लेंथ में। चलो, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इस टाइप के कॉन्सेप्ट।